हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग ट्रेनिंग गुरुजी। मैं दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ हो चुका हूं। और आज का ब्लॉग आप सभी को मालूम ही है, कल ही मैंने अपलोड किया था जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, और कल ही और शायद इवनिंग से पहले आप लोगों को नोटिस मिल चुका है। तो जितनों को नोटिस मिल चुका है उनको पता ही है, और जिनको नहीं मिला है तो उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि EFR जो वैकेंसीज 400 रिक्रूटमेंट जो करने जा रहा है, तो उसके लिए जो PRB ने हमारे जो पुलिस रिक्रूटमेंट जो आपका बोर्ड है उसने वेस्ट बंगाल पुलिस के साइट पर जो नोटिस है वो छोड़ दिया है। तो वो नोटिस कैसे देखना है और इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है और फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा और आगे का ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा, सब बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा क्वेश्चंस है जो भी लड़के हैं जो प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उनमें तो उसी को लेकर मैं ये छोटा सा वीडियो कर रहा हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका कोई सवाल होता है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने का। और ये वीडियो आप लोग शेयर इसलिए कीजिए, मैं ये इसीलिए बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, जिनको जिस जॉब का इस नौकरी का बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि हर उस इंसान को ये मैसेज पहुंचे और वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता है और कॉमेंट भी बनता है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, जो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो ऑफिशियल साइट है उसमें एक WBP साइट है और एक है PRB, तो इन दोनों साइड में नोटिस कल ही पब्लिश हो चुका है EFR 400 वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट कर रहा है करके। तो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया पहले ही, कल ही वीडियो में बता चुका हूँ कि PRB इसको कंडक्ट करेगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में जाइए और वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, जो ऑफिशियल साइट खुलेगा वहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है उस सेशन पे जाइए और वहाँ पर क्लिक करने पर आपको पेज मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का पेज आएगा, इस प्रकार के पेज में आपको जाना है और यहाँ पर जो कल वाला जो है डेट दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ राइफलमैन इन EFR बटालियन अंडर वेस्ट बंगाल पुलिस, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर डिटेल्स, गेट डिटेल्स है साइड में, तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो वहाँ पर जाने पर आपको एक छोटा सा जो नोटिस है वो दिखेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। आप लोग जो देख चुके हैं, आप जिनको मालूम है, आप लोगों को कल दिखेगा, मेरे पास बैकग्राउंड की वजह से आपको शायद साफ नज़र नहीं आ रहा है, आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जो नोटिस दिया हुआ है इसमें आपका एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप दी वैकेंसीज ऑफ 400 पोस्ट ऑफ राइफलमैन इन EFR बटालियंस अंडर वेस्ट बंगाल पुलिस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शॉर्टली। अब यहाँ पर जो दो तीन बात है इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली बात, एलिजिबल कौन है, जो इंडियन सिटीजन है वो एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के। लेकिन यहाँ पर बात आता है, आप लोगों में बहुत सारे हमारे नए जो भाई हैं, पेरेंट्स हैं, तो इनमें है कि आप लोग, सर क्या मैं कर सकता हूँ, सर मैं SC हूँ, सर मैं राजवंशी हूँ, कर सकता हूँ। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये सिर्फ जो है नेपाली जो कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी है, और साथ में जो हमारे आसाम के जो ट्राइबल ST कास्ट के जितने भी हैं भाई लोग, उन लोग के लिए और गारो के लिए ये वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पर किसी को यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं लिया जाता है। इसके उसके बाद आपको अगला मैं बताना चाहूँगा, ये हो गया आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन जो है, इसके बारे में जो मेरे को बोलना था, आप लोग क्लियर बता दूँ, साफ बता दूँ कि नेपाली कम्युनिटी, गोरखा कम्युनिटी, जो नेपाली कम्युनिटी के गोरखा हैं, नेपाली हैं, और आसाम के जितने ST कैंडिडेट्स हैं और गारो कैंडिडेट्स हैं, ये लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बता ही दिया, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले कैसा था, अभी क्या हो सकता है। तो जहाँ तक आप लोगों को ये मैसेज में यहीं पर दिख रहा होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शॉर्टली, ठीक है। तो डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें आपको क्या होता है, जो हमारा पहले जो हो रहा था, पहले 2005 साल में, 2010 में जो रिक्रूटमेंट हुआ,
उसमें भी जो था प्रोसेस था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उसमें जो किया गया आपका जो आप लोगों ने फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आप लोगों को कॉल लेटर फेंका गया जो पीएमटी पीईटी के लिए, तो उसके बाद आप लोग आएंगे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में आकर आप लोग वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद पीएमटी होगा, आपका मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपका होगा पीईटी। तो पीईटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया 800 मीटर रनिंग और उसके बाद फिर आपका 100 मीटर और उसके बाद आपको लॉन्ग जंप है, तो ये इवेंट मैंने आपको बताया। उसके बाद डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में डाल दिया जाएगा जो हायर अथॉरिटी है उनके पास, आपको डीआईजी लेवल आईजी लेवल आईपीएस के साथ वहां पर आपको डाल दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और ये इंटरव्यू होने के बाद उसके बाद आपको एक महीना डेढ़ महीना दो महीना जो टाइम लगता है प्रोसेस का, उसमें आपको लगने के बाद उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस पहले। और अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं कि जो लोग बता रहे हैं कि सर हमारा क्या एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम भी हो सकता है, कोई बता रहा है 1600 मीटर रनिंग होगा। तो बात ये है कि अभी तक फुल्ली क्लियर नहीं हुआ है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा फुल्ली। अभी ये मान लीजिए कल नोटिस दिया है, तो अभी मान लीजिए 10 से 15 दिन के अंदर में आपको वो वाला नोटिस भी मिल जाएगा और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ कि जो ये EFR का जो रेगुलेशन है, इस अनुसार जो रिक्रूटमेंट होता है, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने पाया, उसमें यही पाया है कि 800 मीटर आपका जो है रनिंग होता है, जिसमें आपको 2:50 का टाइम दिया जाता है, 100 मीटर है 14.5 में, और लॉन्ग जंप है 15 फीट जो कि आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो ये था एक जो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया था जो रखा गया था। तो अभी इसमें कोई चेंजेस होता है तो मुझे तो नहीं लगता कोई चेंजेस बहुत बड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि अगर चेंजेस होता है तो इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंजेस फिर आगे करना पड़ेगा PRV को। वो क्या है, क्यों है, इसके लिए और थोड़ा मैं आप लोगों को डीपली बताना चाहूँगा। तो एक बात यह है कि अगर हमारे जो EFR जो बटालियंस में अगर आपको एग्ज़ाम लेकर अगर रिक्रूटिंग कराया जाएगा, ज्वाइनिंग कराया जाएगा एग्ज़ाम लेने के बाद, उसके बाद PET PMT कराया जाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले बात बता देता हूँ, जो है ये एक एलाइड फोर्स है, सबको मालूम है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जब ये एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इनको लॉ क्लास भी कराना पड़ेगा, जो हमारे WBP में, वेस्ट बंगाल पुलिस में जितने भी बाकी जितने पोस्ट हैं, कॉन्स्टेबल के लिए जितना भी पोस्ट है, तो उसमें उनको क्या कराया जाता है, लॉ क्लास कराया जाता है। तो अगर यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा के हमारे EFR बटालियंस में अगर यदि रिक्रूटमेंट कराया जाता है तो यहाँ पर उनको लॉ क्लास भी कराना पड़ेगा। लॉ क्लास अगर कराया गया तो इनको प्रमोशन भी जो है वो वेस्ट बंगाल पुलिस के हिसाब से ही, जिस प्रकार प्रमोशन होता है, 8 साल के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू से, और ASI ले सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर टाइम आने पर सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, तो इसी प्रकार आपको प्रमोशन भी देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ एग्ज़ाम लेके ज्वाइनिंग कराने पर सीमित नहीं होता, ये आपको आगे भी, उसके बाद आगे भी रास्ता खुलता है। तो ये है, अगर आपको एग्ज़ाम नहीं लेंगे आप लोग डायरेक्टली फिजिकल के बेसिस पर, उसके फिजिकल स्टैंडर्ड पर आप यदि लेंगे, तो जो आपका ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी हाई रहेगा, और उसके बाद जो हमारा नियम जो है, हमारा जो रेगुलेशन है, जैसे हमारे यहाँ पर जो है आर्मी, जो आर्मी के स्टैंडर्ड से हमारा क्या होता है, प्रमोशन होता है, लेस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, जो कि अभी तक जो है वही चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कराने के बाद उसके बाद बहुत सारा चेंजेस, अगर एग्ज़ाम करके रिक्रूटिंग कराया गया तो बहुत सारा चेंजेस आएगा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतना सारा चेंजेस लाया जाएगा। फिर भी अगर होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक ये रहेगा कि प्रमोशन के लिए जितने भी हमारे एलिजिबल पर्सन हैं वो एक टाइम में, सही टाइम में उनको प्रमोशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ है, इसीलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो पहले की तरह ही होगा। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, रनिंग का थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, टाइम का फेरबदल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि जी उतना ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये यही बात था जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। और एक बात आप लोगों को खास बता दूं कि आप लोग अभी से अपना
जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी रखिए, स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर आपका जब सभी गोरखा सर्टिफिकेट, अगर एसटी से हैं, अगर ओबीसी से हैं, अगर आप लोग जो भी आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियरली रखिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जितना डॉक्यूमेंट्स बनता है उसको एकदम प्रिपेयर करके रखिए, रेडी रखिए। और क्योंकि और एक बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाला है, जो प्रोसेस होगा इलेक्शन के बाद ही होगा, तो इलेक्शन के पहले ही आप लोगों को ये जितना डॉक्यूमेंट्स का काम है ये सब क्लियर कर लेना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बहुत जी तोड़ से मेहनत कीजिए ग्राउंड में। और आपको मालूम ही है ये एक फिजिकल, अगर फिजिकल बेसिस पर लिया गया तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रहेगा। बहुत सारे हमारे नए भाई हैं जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कीजिए। और EFR का आगे जो भी आप लोगों को जिस विषय पर वीडियो चाहिए उस विषय पर मैं बनाऊंगा, जैसे कि आप लोगों को सैलरी, EFR का सैलरी क्या है, कैसा है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, तो ये सब के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूर आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कोई सवाल हो तो। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो पर अगली बार, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टेक केयर।